खानपुर क्षेत्र के लंढौरा क्षेत्र में तेल पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य चल रहा है। कार्य के शुरू होते ही किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कार्य को रुकवा दिया था और 10 दिनों से क्षेत्र के किसान धरने पर बैठे थे। वहीं शनिवार को विधायक उमेश कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को अपना समर्थन दिया, साथ ही जिलाधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। जिस तरीके से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लोगों ने किसानों के खेतों को खोद दिया, ये बड़ा ही दुखद है, क्योंकि जैसा कि किसानों ने अवगत कराया, पूर्व में इन जमीनों का कोई भी मुआवजा, कोई भी अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं हुई है। और इस तरीके की घटनाएं जो हैं बड़ी दुखद है कि किसान की खड़ी हुई जमीन, खड़ी हुई खेती को आपने ध्वस्त कर दिया, जमीन को खुर्द-बुर्द कर दिया और इतनी बड़ी खुदाई कर दी आपने। तो मुझे लगता है कि इससे पूर्व किसानों की सहमति लेना लिया जाना बहुत जरूरी था और अभी ये तत्काल प्रभाव के साथ इसका कार्य रोका जाए। चेतावनी दी आगे के लिए? चेतावनी दी है, कोई जमीन किसी के बाप की थोड़ी है, किसान की जमीन है। आपको अगर किसी के घर में जाके खुदाई करनी है, उससे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? किसानों से पूछो जाके पहले। आपने अधिग्रहण नहीं किया, आपने मुआवजा नहीं दिया, आपने पैसे नहीं दिए। अगर आपने मुआवजा दिया होता, अधिग्रहण किया किया हुआ होता, तो आप जब मर्जी खोदते, कोई नहीं रोकता। लेकिन आप जाके किसी के खेत को ऐसे खोद देंगे, अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो जब मेड़ तोड़ देते हैं तब गोलियां चल जाती हैं, आपने तो लोगों के खेत खोद दिए, तो गलत काम है, इसको तत्काल से